सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण और अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्री राशन, कोरोना अपडेट, यूपी बोर्ड रिजल्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्राइमरी स्कूल, ऐसी कई अहम जानकारियां हैं जो जानेंगे एक एक करके इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख और अहम खबरें। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम, वीडियोग्राफी के खिलाफ सड़क पर हंगामा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंच गई है। आपको बता दें, टीम पहुंचने से सड़क पर हंगामा और नारेबाजी होती दिखाई दी। एक पक्ष की ओर से हो रही नारेबाजी के बाद दूसरे पक्ष की तरफ से भी नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने किसी तरह दोनों तरफ से लोगों को समझाया, सड़क से गलियों की ओर भगाया। आपको बता दें, कमेटी के अधिवक्ताओं के मंदिर में प्रवेश के दौरान मुस्लिम समुदाय के करीब 50 की संख्या में जुटे लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान दूसरे पक्ष से हर हर महादेव के नारे लगे। स्थिति तनावपूर्ण होते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और वहीं पर मुस्लिम पक्ष के भी लोग पहुंचे। तत्काल सभी को वहां से हटाया गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों को दाल मंडी की गली में भेज दिया गया। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पहुंचे थे। पुलिस कमिश्नर अपनी निगरानी में रखवाएंगे साक्ष्य, यानी जो भी कुछ मिलेगा साक्ष्य यानी सबूत मिलेगा उसको अपनी निगरानी में रखवाया जाएगा। सर्वे से पहले महिला ने सड़क पर भी पढ़ी नमाज, जिससे कि और भी हालात खराब हो सकते थे। फिलहाल अगली सुनवाई 10 मई को तय होगी। वहीं लाउड स्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। दरअसल उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को उतारे जाने के फैसले पर हाई कोर्ट से भी मुहर लग गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है। इस अहम टिप्पणी के साथ कोर्ट ने बदायूं के एक मौलवी की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया है जब योगी सरकार के आदेश पर यूपी में धार्मिक स्थलों से 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। महंगाई की मार एक बार फिर से आम आदमी को पड़ने वाली है, क्योंकि महंगाई की मार में अब घरेलू सिलेंडर के दाम भी सरकार ने बढ़ा दिए हैं। अब 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आप यहां पे दोस्तों देख सकते हैं, महंगाई की मार है। 14.2 केजी वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और किन किन लोगों को अब ये देना होगा, जरा आप इस बात को ध्यान से समझे, क्योंकि काफी लेटेस्ट न्यूज है। सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ ही अब जो 14.2 केजी वाला घर में इस्तेमाल करने वाला सिलेंडर है वो आपको 50 रुपए महंगा मिलेगा। दिल्ली में आज से घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 999.50 यानी 1000 रुपए का मिलने वाला है। तो यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेंगे बढ़े हुए पैसे। 7000 की जगह अब 9000 रुपए मिलेगा मानदेय। जी आपको बता दें, जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे अनुदेशकों व रसोइयों के मानदेय बढ़ोतरी का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अनुदेशकों का मानदेय 11 महीने और रसोइयों का मानदेय 10 महीने के लिए होगा। अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपए बढ़ाकर 9000 रुपए और रसोइयों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है। रसोइयों को 2 जोड़ी पैंट शर्ट या साड़ी के लिए 500 रुपए बैंक खाते में दिए जाएंगे। यानी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और जो 7000 मानदेय था वो 9000 कर दिया है और जो 1500 का मानदेय था वो 2000 कर दिया है। सो अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो बनवा लें, क्योंकि इस दिन होगा विशेष अभियान। जी हाँ दोस्तों, राजधानी लखनऊ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष पखवाड़ा शुरू किया गया है। यह अभियान 18 मई तक चलेगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और शहरों के सभी वार्ड में शिविर में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार चौधरी ने दी है। तो आयुष्मान भारत की योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि यह योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कुल 1574 बीमारियों का उपचार उपलब्ध है। इस अभियान में आशा कार्यकर्ता, आशा संगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और कोटेदार सहयोग करेंगे। तो राजधानी में 18 मई तक अभियान चलाकर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जिसमें आपको 5 लाख का फ्री इलाज मिलता है। तो अगर आपके इस लिस्ट में नाम है तो जाके तुरंत आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं। राशन डिस्ट्रीब्यूशन इन आगरा। उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं, फिलहाल आगरा की खास बात है कि मई में हो रहा अप्रैल के राशन का इंतजार, इस वजह से आगरा में वितरण अटका। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पे अभी तक राशन वितरण नहीं हुआ है और चना रिफाइंड नमक नहीं वितरण हो रहा है। तो आपको बता दें, मई के महीने में अप्रैल के दूसरे वितरण का कार्ड धारकों को इंतजार है। गोदाम तक राशन समय से नहीं पहुंच पाने से वितरण की तिथियों में हर बार विस्तार होता जाता है, जिससे आम आदमी को मुश्किलें झेलनी पड़ती है। अप्रैल का प्रथम वितरण में तो देरी हुई, जिस कारण दूसरा वितरण 27 अप्रैल से 12 मई तक प्रस्तावित हुआ, लेकिन अभी गोदामों पर सिर्फ गेहूं और चावल ही पहुंचा है। रिफाइंड नमक और चना न पहुंचने के कारण वितरण नहीं हुआ, इस कारण वितरण की शुरुआत ही नहीं हो पा रही और दर्जनों कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके यहाँ भोजन का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल आपको बता दें, जल्द ही सरकार इसके बारे में आपूर्ति कराएगी। आपको बता दें, ऐसे में बहुत सारे राशन कार्ड धारक अपनी अपनी बातें कहे हैं, जिसमें कलावती कालिंदी बिहार से आती है। ये कहती है कि विक्रेता राशन नहीं दे रहा है, कहते हैं कि उनको ही नहीं मिला है, पिछले महीने भी ऐसे ही कहा था, जो भी गड़बड़ी कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं लता शर्मा जो महादेव नगर से आती है, उन्होंने कहा राशन वितरण को लेकर सरकार को सख्ती बरतनी होगी, हर बार वितरण में देरी होती है जिसका लाभ विक्रेता को नहीं पहुंचता और अप्रैल का राशन ही अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे में फ्री राशन जो है वो अप्रैल महीने के दूसरे चरण का अभी तक मई में नहीं मिला, इस वजह से राशन कार्ड धारक नाराज है।
तो दोस्तों एक खास खबर, मुजफ्फरनगर न्यूज राम मंदिर के लिए 90 लाख का दान कर दिया और 90 लाख के दान का ऐलान किया। 15 मई से यूपी के हर जिले की मस्जिद में भगवा अलख जगाएंगे गजनी। दरअसल आपको दादे आखिर है कौन और इनका क्या कहना है। भगवा कपड़े पहनकर ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद चर्चाओं में आ गए हैं समर गजनी। जी हां, आपको दादे उन्होंने कहा कि 15 मई से वह भगवा कपड़े धारण करके उत्तर प्रदेश के हर जिले में मस्जिद में जाकर भगवा के प्रति प्रेम की अलग जगाने का काम करेंगे। गजनी का कहना है कि भगवा प्रेम का प्रतीक है और मुसलमानों को इससे प्रेम करना चाहिए। गजनी ने कहा कि योगी राज में बिना भेदभाव के कार्य हो रहा है, मुसलमानों को चाहिए कि बीजेपी को अपनाएं और सपा जैसी पार्टी को छोड़ दें। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के लिए उन्होंने अपने 90 लाख रुपए की संपत्ति दान देने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश वेदर अलर्ट, जी हां सावधान, यूपी में बढ़ेगा गर्मी का कहर, 8 मई से चलेगी भयंकर लू, जारी हुआ है अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 4-5 दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन अब अचानक से मौसम पलटी मारने वाला है, जिसके चलते आने वाले दिन में और भी ज्यादा गर्म होने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में 8 तारीख से लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। योगी गवर्नमेंट ई लर्निंग पार्क के साथ उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का बना रही है योजना। जी हां, उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में 120 डिग्री कॉलेज में ई लर्निंग पार्क शुरू करने जा रही है। योगी सरकार प्राथमिक उच्च और चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षा क्षेत्र को तीव्र गति से बदलने पर जोर दे रही है। छात्रों को शिक्षा में नई तकनीक के प्रयोग के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए तकनीकी रूप से मजबूत बनाने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। तो गरीबों का राशन डकारने वालों पर होगा मुकदमा, सरकार ने दी है मोहलत, 10 दिन में स्वयं कार्ड सरेंडर कर दें नहीं तो होगी कार्रवाई। प्रदेश में 1,84,000 से अधिक अंत्योदय और 12,27,000 से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी व आपात राशन कार्ड धारक भी हैं, जो हर महीने गरीबों का मुफ्त राशन और बहुत कम कीमत में राशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब मुकदमा दर्ज होने वाला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार इस बात को लेकर अलर्ट पे है। प्रदेश में लगभग ऐसे कई राशन कार्ड धारक हैं जो अपात्र हैं और फ्री राशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों से अब रिकवरी की जाएगी, यानी वसूली होगी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया जाएगा। इसलिए समय है तो आप अपने राशन कार्ड को सौंप दें, अपने राशन कार्ड को निरस्त करा लें। हर महीने इतना राशन मिलता है जो फ्री है, लेकिन अगर आपके लिए नहीं है, आप अपात्र हैं, तो इसका लाभ ना लें। अपात्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। ऐसे में विभाग टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। इस नंबर पे आप ऐसे फर्जी व अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। जी हां, शिकायत दर्ज करने के बाद भी आप पर जांच होगी, अगर जांच में अगर आप सही पाए गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक पढ़ाएंगे और कामकाज निपटाने के लिए रखे जाएंगे 1650 डाटा एंट्री ऑपरेटर। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर विशेष जोर होगा। स्कूलों को पठन पाठन प्रभावित न हो, इसके लिए विकास खंड स्तर पर 2 यानी 1650 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे, जो बच्चों के आधार सत्यापन के साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प आदि की सूचनाएं UDIS व प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अभी तक ये कार्य परिषदीय स्कूल के शिक्षक करते रहे हैं, लेकिन अब डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने के बाद परिषदीय स्कूलों के जो शिक्षक है वो सिर्फ पढ़ाएंगे और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता था वो अब डाटा एंट्री ऑपरेटर ही करेगा। यानी नई भर्ती होगी जिसमें आपको भी लाभ मिल सकता है। और अगर आप भी इस प्रकार से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपके पास सुनहरा मौका है, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।